ये नॉलेज शेयरिंग मॉडल है वेंग एंड नो का दिया हुआ वेंग एंड नो ने क्या किया कि इन्होंने स्टडी किया इन्होंने रिव्यू किया मोर देन सेवेंटी स्टडीज़ को कि जो नॉलेज शेयरिंग के साथ जिनका ताल्लुक़ था कि नॉलेज शेयरिंग के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं इन्होंने देखा कि एक लंबी लिस्ट है उन फैक्टर्स की इन्होंने उन फैक्टर्स की उस लिस्ट को इन्होंने कैटेगराइज़ किया Uh, इसकी जो डिटेल है वो फिगर थ्री पॉइंट वन सिक्स में टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है उसकी समरी मैं यहाँ आपके साथ शेयर करता हूँ कि सबसे पहले इन्होंने एनवायरमेंटल फैक्टर्स गिनवाए अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स में फिर उन्होंने सब कैटेगरीज बनाई एक उसमें है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इसका मतलब क्या है इसके अंदर कई फैक्टर्स हैं कि परसीव्ड कॉस्ट ऑफ नॉलेज शेयरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजीज़ एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल कंपटीशन वर्सेस कोऑपरेशन कि इंडिविजुअल्स के दरमियान किस तरह की आपस में ताल्लुक़ की नोयत है कि उनके दरमियान कंपटीशन है या कोऑपरेशन का कल्चर है इसके बाद फिर एम्फेसिस ऑन इनोवेशन वर्सेस एफिशिएंसी कि इनोवेशन की ज़्यादा ज़रूरत है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या एफिशिएंसी की ज़रूरत है कि प्रोडक्ट्स ज़्यादा जनरेट हों ज़्यादा क्रिएट हों हो, या फिर इनोवेशन आए उसमें उसके अलावा द एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ रोल मॉडल्स अमंग सीनियर मैनेजमेंट तो इसको भी एक वेरिएबल के तौर पर लिया गया कि सीनियर मैनेजमेंट में नॉलेज के हवाले से क्या कोई रोल मॉडल्स अवेलेबल हैं या नहीं हैं इसका इन्फ्लुएंस भी नॉलेज शेयरिंग के ऊपर देखा गया इसके अलावा फिर इंटरपर्सनल एंड टीम करैक्टरस्टिक्स हैं इसमें जो वेरिएबल शामिल हैं उसमें टीम कोहेसिवनेस है कंपेटिबल पर्सनैलिटी एंड कम्युनिकेशन स्टाइल्स हैं इसमें परसीव्ड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस है इन uh, वेरिएबल्स का जो है वो इम्पेक्ट देखा गया इसके बाद कलेक्टिव कल्चरल करैक्टरस्टिक्स में कुछ वेरिएबल शामिल हैं जिसमें डिफरेंट नेशनल कल्चर्स एंड लैंग्वेज़ ऑफ ऑफ द टीम मेम्बर्स इनको देखा गया इसमें ख़ास तौर पर यहाँ ये यह जिक्र करना मुनासिब होगा कि जब इन्होंने यू एस ए का कल्चर देखा और उसके मुकाबले में जापान और चाइना का कल्चर देखा तो इसमें उन्होंने वाज डिफरेंस देखा कि जब लैंग्वेज का या कल्चर का डिफरेंस आता है तो नॉलेज शेयरिंग का जो बिहेवियर है वो तो एम्प्लॉज़ का चेंज हो जाता है इसके अलावा इन्होंने इंडिविजुअल फैक्टर्स देखे इनका इन्फ्लुएंस देखा नॉलेज शेयरिंग बिहेवियर के ऊपर इसमें जो शामिल हैं वेरिएबल्स वो एजुकेशन का है कि एजुकेशन ज़्यादा या कम होने से नॉलेज शेयरिंग का बिहेवियर पर क्या असर पड़ता है उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस है कि लेस एक्सपीरियंसड एम्प्लॉज़ का क्या बिहेवियर है और मोर एक्सपीरियंस का क्या बिहेवियर है इसके बाद पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी की टाइप्स हैं पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं इसमें किस तरह की पर्सनैलिटी जो है वो नॉलेज शेयरिंग का किस तरह का बिहेवियर रखती है इसके बाद फिर सेल्फ एफ़िकेसी है कि नॉलेज शेयरिंग के बारे में उनका नॉलेज कितना है या उनकी स्किल कितनी है तो उस स्किल का ज़्यादा कम होने का भी एक असर जो है वो नॉलेज शेयरिंग बिहेवियर के ऊपर होता है उसके बाद एवेलुएशन एप्रीहेंशन है कि क्या उन्हें इस बात की फ़िक्र है कि मेरी इवेलुएशन हो रही है और मुझे किस तरह के उसको किस तरह से परफॉर्म करना चाहिए कि क्या ये मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं नॉलेज को शेयर करूं या एक ये मेरी रिपोर्ट में आएगा मेरी इवेलुएशन में इसके मुझे गुड मार्क्स मिलेंगे या बैड मार्क्स मिलेंगे इस किस्म के जो उनकी परसेप्शन है उसका भी अमल दखल है इसके बाद इम्प्रेशन मैनेजमेंट है कि एम्प्लॉज़ जो हैं उनका उनका स्टेटस वहाँ पे क्या है उनके बारे में इम्प्रेशन क्या है इदारे के अंदर और वो अपने इस इम्प्रेशन को कायम रखने के लिए क्या करते हैं इसको एक वेरिएबल के तौर पर जिन स्टडीज़ ने डिस्कस किया इन्होंने उसको अपने मॉडल में यहाँ पे जो है वो समराइज़ किया इसके बाद कुछ परसेप्शन बेस्ड वेरिएबल्स हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे नॉलेज एज़ पावर कि अगर वो नॉलेज को एक पावर समझते हैं तो क्या उसके नतीजे में वो उनका जो बिहेवियर है शेयरिंग का वो बढ़ जाता है या कम होता है इसी तरह से इंटेंशन टू शेयर कि उनकी इंटेंशन होती है शेयर करने की कर अब इसमें जाहिर है जिसकी इंटेंशन ज़्यादा बेहतर होगी वो नॉलेज शेयरिंग का बिहेवियर भी उसका बेहतर होगा और इसके अपोज़िट भी होगा तो इस तरह से बहुत सारे वेरिएबल्स को इन्होंने डिफरेंट स्टडी से लिया यहाँ पे कैटेगराइज़ करके एक मॉडल की शक्ल दी और ये मॉडल इन्हीं के नाम से फिर मशहूर हुआ